बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि ऑब्जर्वर के तौर पर भारत जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया। 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता की वर्चुअल बैठक के बाद भारत ने ये फैसला लिया। इस संगठन से भारत ऐसे समय में जुड़ा है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहा है। तो क्या है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट? जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लू इकोनॉमी के लिए काम करता है। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है अफ्रीका के आसपास के क्षेत्र में जो समुद्र देखने को मिलते हैं, मकसद यह है कि उन क्षेत्र में इस तरीके से काम करना है जिससे इकोनॉमी का ग्राफ भी बढ़े और जो पानी के भीतर जीव रहते हैं उन्हें भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही इसका उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती को रोकना है। अब सवाल यह है कि जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने से भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? दरअसल जिबूती एक ऐसा देश है जहां चीन अपनी पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत काफ़ी पैसे खर्च कर रहा है एक नेवल बेस बनाने के लिए। इससे पहले अमेरिका, जापान और फ्रांस भी जिबूती में अपना सैनिक अड्डा बना चुके हैं। वहीं चीन के ऋण जाल कूटनीति और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के खिलाफ भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस रणनीति का उद्देश्य चीन को हार पहनाना है, या आसान भाषा में समझें तो ये चीन को घेरने की रणनीति है। भारत अपने नौसैनिक अड्डों का विस्तार कर रहा है और चीन की रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक जगहों पर स्थित देशों के साथ रिश्तों में सुधार कर रहा है, और इसीलिए इस कोड ऑफ कंडक्ट के साथ जुड़ने का फायदा भारत को जरूर मिलेगा। ये विकास ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत अपनी समग्र भारत प्रशांत नीति के हिस्से के रूप में हिंद महासागर और आसपास के पानी में अपनी स्थिति बना रहा है। भारत ने इस साल ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ पारस्परिक सैन्य समर्थन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उन देशों की नौसेनाओं के साथ अंतर क्षमता को बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि ऑब्जर्वर के तौर पर भारत DCOC के सदस्य देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग देगा।